अवसर पर बड़ी संख्या में हम सब पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन में भाजपा के पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय सत्येंद्र कुशवाहा की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। सत्येंद्र कुशवाहा विचार मंच के बैनर तले आयोजित इस पुण्यतिथि समारोह में डिप्यूटी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य और पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे समेत कई राजनेताओं ने सत्येंद्र नारायण कुशवाहा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके महान कार्यों को याद किया। इस दौरान डिप्यूटी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से राष्ट्रवाद को लेकर एकजुट होने की अपील की। सामान्य नौजवान जिसने पूरे विश्व में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचारों को प्रतिपादित करने का काम किया, वो स्वामी विवेकानंद आज भी हम सबों के लिए पूज्य स्मरणीय हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें भी हम नमन करते हैं और आने वाले दिनों में अपने नौजवान साथियों से आग्रह करते हैं कि कल आपका है। यही नहीं, इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नए कृषि बिल को देश और किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 10 जनवरी तक पिछले साल की तुलना में पूरे देश में धान की जो खरीद हुई है समर्थन मूल्य पर, वो पिछले साल की तुलना में 26% ज्यादा खरीद हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण कुशवाहा एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ गरीबों के लिए हमेशा आगे रहकर काम करते थे। आज कुशवाहा जी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें अपना विनम्र श्रद्धांजलि निवेदित करने आए हैं। वो एक कुशल संगठनकर्ता थे, कुशल विधान पार्षद थे, एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता थे। आपको बता दें कि इस पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू के अलावे कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पटना से अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live इंडिया।